अभी तरेत पाली मठ में हूँ, नौबतपुर में पड़ता है। यहाँ पर अभी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी आने वाले हैं, बाबा बागेश्वर सरकार धाम के वो महंत हैं और खूब प्रवचन करके वायरल हुए हैं। यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर खूब भव्य तैयारी हो रही है। बाकी यहाँ की तैयारी को लेकर नियमित हम अभी पूछेंगे यहाँ के स्थानीय जो मठ में हैं बाबा उनसे। क्या कुछ कहिएगा, धीरेंद्र शास्त्री आ रहे हैं? आ रहे हैं तो अच्छी बात है, हम लोग मतलब उनके तैयारी में लगे हुए हैं कि किसी तरह का कोई कमी ना हो। हमारे मतलब क्षेत्रवासियों के तरफ से ऐसा हम लोग अपना नमूना पेश करना चाह रहे हैं। यहाँ पूरा चहल पहल है की बढ़ा है, पूरी चहल पहल है उनके आगमन के, मतलब शुभ आगमन के चलते यहाँ पर चहल पहल बढ़ गई है। पहले भी कभी ऐसा यहाँ पर हुआ है? पहले 2012 में यहाँ चातुर्मास यज्ञ परम पूज्य गुरुदेव महाराज किए थे तो उनके तत्वावधान में 4 महीना तक चहल पहल लगा रहा था। 2012 में अभी 10 साल 11 साल बाद इतना बड़ा हुआ। 10 साल के बाद फिर हम लोग समझ रहे हैं कि उतनी ही पुनरावृत्ति होगी, थोड़ा हम लोग और बढ़ चढ़ करके ही इसका व्यवस्था कर रखा है कि उससे भी ज़्यादा भीड़ आएगी तो हम लोग उसको कंट्रोल करेंगे। पूरा आप लोग खुश होंगे बाबा बागेश्वर सरकार के आने से? अरे पहले से हाँ, पूरा हिंदू समाज हमारा खुश है। हिंदू ही नहीं, हमारे पास तो मुस्लिम लोग भी आ करके सेवा दे रहे हैं, वो लोग भी खुश हैं कि ना बाबा बागेश्वर को आने से हम लोगों को बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है और वो लोग भी लगे हुए हैं। सभी धर्म जाति के धर्म से ऊपर उठ करके सभी लोग राजनीति वाला इधर से उधर विरोध करते हैं। राजनीति वाले को बोलना काम है उनका, अपनी खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी में कुछ भी बोल दें, उनका बोलना काम है। वैसे लिखित रिपोर्ट कोई राजनीतिक दल हम लोगों को रोक नहीं लगाया, कोई रोक नहीं है। यहाँ पे घोड़ा उड़ा रहता है पूरा भूसा उस्सा, और ये यहाँ तकरीबन 100 गाय और भैंस है, 3 घोड़ा हैं, सभी दान का ही दिया हुआ है, खरीद के नहीं आता, जजमान लोग देते हैं। और पहले विगत कुछ वर्ष पहले हाथी भी था जिसका हाथी का देहावसान हो गया, और देहावसान के बाद हम लोग हाथी खरीद रखे हैं लेकिन बिहार गवर्नमेंट के कूटनीति के चलते बिहार गवर्नमेंट यहाँ प्रवेश नहीं करने दे रहा है। आसाम में हाथी आसाम में खरीद रखे हैं, कुछ कूटनीति हाँ आ रही है जो जिसके चलते हमारे हाथी आसाम में पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ छात्र उत्र भी पढ़ते उड़ते हैं और ऐसे छात्र हैं, तकरीबन 200 हमेशा अभी रह रहे हैं, और बाहर में करीब करीब 4 से 5 हज़ार छात्र हमारे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ हाँ, कुछ बनारस हैं, काशीपुरम, गया, नरहट, उचिरमा, मुरेरा, इस तरह से फैले हुए हैं। मतलब 156 कितना बताया? 156 बिहार में कितना होगा? तकरीबन 100 बाकी और अलग अलग बाकी सारे और अलग अलग राज्यों में। इसका स्थापना कब हुआ है यहाँ? ये तकरीबन 350 से 400 साल पुराना है। 350 से 400 साल पुराना है? हाँ जी। आप कब से जुड़े हुए हैं? हम यहाँ जुड़े हैं 2008 से। बाबा में ऐसी कौन सी चीज़ें अच्छाई लगती होगी आप लोगों को? बाबा में ऐसी कौन सी चीज़ें बहुत अच्छाई, जैसे किसी किसी में होता है कोई कोई चीज़? धर्म प्रचार, मेन धर्म प्रचार है उनका, जो धर्म प्रचार चल रहा है वही हमको अच्छा लग रहा है कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अल्प आयु का बच्चा इतना बड़ा सनातनी धर्म का प्रचार कर रहा है, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकता है कोई भी हिंदू बच्चा को। आसपास से सहयोग कैसा आ रहा है? हार अभी देख रहे हैं कि सभी लोग दूसरे दूसरे गांव से अन्नपूर्णा महारानी को यहाँ पहुँचा रहे हैं, और सभी गांव के लोग लगे हुए हैं क्योंकि हाँ किसी तरह की यहाँ कमी ना हो। सुबह से तकरीबन 10-20 गाड़ियाँ आ गई, चावल, गेहूँ, आटा और तरह तरह के नमक, तेल, मसाले ले करके कि बाबा हमारी लग जानी चाहिए इस भीड़ को, मतलब सेवा में, मतलब अपना लगाने के लिए। हाँ, अपना सेवादारी के लिए लोग लाला करके पहुंचा रहे हैं यहाँ के, और विधि व्यवस्था देखने वाले लोग। अच्छा, वो जो बाबा धीरेंद्र शास्त्री आएंगे तो वो रहेंगे कहाँ, यहीं रहेंगे या नहीं? नहीं, वो तो उनकी कमेटी तय करेगी कि बाबा कहाँ रहेंगे, कोई निश्चित नहीं है कि बाबा कहाँ बैठेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ प्रवचन यहाँ करेंगे। अब प्रवचन वहाँ, प्रवचन पंडाल बनी हुई है उसी में करेंगे। रहने के लिए उनकी कमेटी जो है बाबा बागेश्वर, कमेटी कहाँ रखेगा उनको,
वो लोग समझे। हम लोगों को काम है कि कोई भी अतिथि यहाँ से भूखा ना जाए, उसकी तैयारी में हम लोग चाहे कितनों लाखों लाख आ जाए। हाँ लाखों लाख हम लोग 5-6 लाख भीड़ संभाल चुके हैं, एक एक दिन 5-6 लाख भीड़ को हम लोग संभाल चुके हैं। यहाँ के छात्रों तो सब निःशुल्क पढ़ना लिखना? हाँ सारा छात्र यहाँ निःशुल्क निःशुल्क शिक्षा दी जाती है सारे छात्र। मेन संस्कृत है। अब हम लोग सोचे कि आधुनिक शिक्षा बगैर काम नहीं चलेगी, कुछ लोग बच्चे नहीं दे रहे हैं कि आधुनिक शिक्षा में वो डालना चाहते हैं, तो आधुनिक शिक्षा के लिए हमारा देखिए BDS इंटरनेशनल स्कूल के नाम से चलता है चिरौरा, ये बगले में है नवतपुर थाना में, NH 39 पर, NH 139 पर BDS इंटरनेशनल स्कूल, इसी मठ के। हाँ इसी मठ के BDS 20 से हो गया वासुदेवाचार्य, जो सामने ऊपर में है पुस्तक लिए हुए, और डी से हो गया अभी हम लोगों के जो गुरुदेव जी हैं उनका नाम है स्वामी धरणीधराचार्य, और एस से अभी वर्तमान के जो महंत हैं उनका नाम है श्री सुदर्शनाचार्य जी महाराज, इससे स्कूल का नाम है। अच्छा आप ये बाबा बागेश्वर सरकार जो है धीरेन्द्र शास्त्री, ये हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो इसको कैसे देखते हैं आप? हिंदू राष्ट्र तो मेरा ये हिंदुस्तान था, है, रहेगा। बात क्या कर रहे हैं, वो तो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र के पुत्र हैं, हिंदू राष्ट्र यहाँ घोषित करो। ये जब 1947 में बंटवारा हुआ तो किस नाम पर बंटवारा हुआ था हमारे देश का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान किस मुद्दा पर बना था, हिंदू और मुस्लिम? तो जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र हो सकता है तो हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित किया गया? ये तो 1947 में ही घोषित कर देना चाहिए था। सरकार की गलती है उस समय? सरकार की गलती नहीं, महागलती था, गलती नहीं उस समय महागलती किए। आप कहाँ के रहने वाले? हम तो इसी नवतपुर धरती के रहने वाले हैं। मठ हमारा नरहट नवादा। चलिए बाकी लोग व्यवस्था में लगे हुए हैं, एक भाई साहब ये भी हैं, क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? पूरा एकदम जोर शोर से लगा लगे। धीरज कुमार। कहाँ? ये तरेते गांव के हैं, इसी गांव के हैं जी। क्या कुछ कहिएगा, तैयारी में सभी लोगों का सहयोग एकदम बढ़ वो तो देखने का ही चीज़ है। सभी लोग सहयोग आ रहे हैं, पहुँचा रहे हैं, गाँव के ही नहीं सभी गाँव के लोग, यहाँ पे जितने गांव है नज़दीक में 5 किलोमीटर, सभी लोग लगे हुए हैं, जो बाहर से आ रहे हैं वो भी लगे हुए। आप क्या करते हैं धीरे धीरे? हम दिल्ली एम्स में हैं। दिल्ली एम्स में हैं जी। अभी यहाँ पर छुट्टी लेके आए या नहीं? हम अभी छुट्टी में हैं। छुट्टी में हैं। हाँ। तो यहाँ अपना मठ बच के सेवा में। हाँ हाँ चलिए, बाकी और भी कई लोग हैं जो सेवा और कार्य में लगे हुए हैं। देख सकते हैं आप किस प्रकार से काम यहाँ पर फिनिशिंग का जारी है। यहाँ पर बाबा बागेश्वर के आने से चहल पहल और भी तेज़ हो गई है। बाकी यहाँ पर पहले भी प्रवचन कथा हो चुका है और आप बने रहिए झकास भारत पर। मेरा नाम रविकांत हुआ, कैमरे के पीछे सौरभ जी हैं। धन्यवाद।